हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमास लाइफ एंड लिविंग। फ्रेंड्स, आज करने वाले हैं बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए मैं स्टेशनरी पे आई हुई हूँ और यहाँ पर मैं ले रही हूँ पैकिंग पेपर्स, और आप इसको रैपिंग पेपर्स भी बोल सकते हैं। तो कुछ अच्छे से प्रिंट वाला ले रही हूँ, सारे वैसे एक जैसे ही, काफ़ी कुछ एक जैसे प्रिंट वाले हैं, लेकिन मैंने चूज़ किया कुछ फ्लावर प्रिंट वाला। तो बस वो लेके और सीधे चलते हैं अब हम घर। मैं लेकर आ गई हूँ सारे पेपर्स जो मुझे करना है इस रूम में। तो क्या करना है बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। ये जो एरिया है ना, ये पूरा इसको मैं थोड़ा सा ठीक करूँगी, मतलब थोड़ा सा ब्यूटीफाई करूँगी, थोड़ा खोलने में ड्रॉअर अच्छा लगे। और अभी श्रिया है ना, गई हुई है एग्जाम देने, आज उसका लास्ट पेपर है मैथ्स का, और देकर आएगी तो मैं उसको एक सरप्राइज दूंगी कि श्रिया मैंने तेरा जो चेस्ट ऑफ ड्रॉ है, मतलब पूरा वैनिटी वाला सेक्शन है, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसको दिखाऊंगी, फिर वो खुश होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसे छोटे छोटे सरप्राइजेस उसको देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि वो जब खुश होती है। तो वैसे तो देखो वो अपना रूम तो जमाती रहती है ना। तो जल्दी से इस काम को हम शुरू करते हैं और फिर देखिएगा कि फाइनली मैंने कैसे उसके वैनिटी सेक्शन को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सो अभी उसकी एक पेंटिंग चल रही है, वो है इस टाइप की कुछ पेंटिंग, मतलब इसके अंदर है, जो वो बना लेगी तो आप लोगों को फॉर श्योर दिखाएगी। सही, सबसे पहली चीज़ मैं करूँगी कि सारे ड्रॉर्स में खाली कर दूँगी। ऊपर के दोनों ड्रॉर में वो अपना पूरा वैनिटी वाला सामान रखती है, तो मैंने बारिश के टाइम पे इसे ऑर्गेनाइज़ किया था, ऐसे ही चीज़ें रैंडमली रख दी थी, कुछ सोच के नहीं रखा था। लेकिन अब मैं इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, हर एक चीज़ की अपनी जगह बनाऊँगी। जैसा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग देखते ही हो, तो सबसे पहली चीज़ आती है कि क्लीन कर ले हम स्पेस को। तो ऊपर का जो पोर्शन है वो भी मैंने साफ़ कर दिया, हटा दिया है, और नीचे के पोर्शन में भी, यानी कि ड्रॉअर्स में भी मैं अच्छे से स्प्रे करके उसको क्लीन कर दूंगी। फ्रेंड्स, आई हैव टेकन आउट एवरीथिंग, और यहाँ पर सारी उसकी वैनिटी से रिलेटेड सामान है, और कुछ उसके एसेंशियल्स हैं स्किन केयर से रिलेटेड, और यहाँ पर उसकी जो चीज़ें हैं वो रखी। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ बॉक्सेस जो मैंने ऐसे ही रख दिए थे, अब इनको मैं थोड़ा सा अच्छे से करके रैप करके रखूँगी। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये बॉक्सेस क्यों यूज़ कर रही हूँ कार्डबोर्ड के, तो देखिए यहाँ पर कोई सीलन वगैरह नहीं आती। अगर आपके घर में सीलन आती है उस एरिया में जहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी हैं, मॉइस्चर रहता है, तो आप कार्डबोर्ड यूज़ ना करें, आप प्लास्टिक के या एक्रेलिक वाले जो आते हैं ना, जो ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट क्या है, ये जो ड्रॉर्स हैं इनका एक प्रॉपर साइज़, और इस साइज़ के हिसाब से मुझे कोई बास्केट्स अभी तक नहीं मिली, तो जब तक मुझे नहीं मिलती है तब तक मुझे इनसे काम चलाना रहेगा। सो प्रोडक्ट्स वाले बॉक्सेस काफ़ी स्टर्डी होते हैं और अच्छे भी रहते हैं, जब हम इनमें फेविकॉल लगा के इनको रैप करते हैं ना, तो ये काफ़ी स्टर्डी हो जाते हैं। तो ये इनके साइज़ के बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, चीपेस्ट वे है ऑर्गेनाइजेशन करने का। तो अभी इसको करते हैं, और उसके बाद अगर कभी मुझे फ्यूचर में प्लास्टिक के, एक्रेलिक के कुछ मिले ऑर्गेनाइजर्स, तो मैं उसमें ऑर्गेनाइज करूँगी। आप
लोग अक्सर कमेंट्स करते रहते हैं कि ऐसा कोई मैं तरीका बताऊं जिसमें आपको ड्रेसिंग टेबल का यूज़ ना करना पड़े, यानी कि अगर आपको ड्रेसिंग टेबल नहीं ख़रीदना है तो आप कैसे अपना पूरा सामान जमा सकते हैं। तो ये बॉक्सेस बहुत ही सही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो भी बॉक्सेस आते हैं ना, जिनमें पार्सल्स आते हैं, उन बॉक्सेस को आप संभाल के रख लीजिए और उनको इस तरीके से बहुत ही अच्छे कोई पैकिंग पेपर्स लेके उनको रैप कर लीजिए और आप कोई भी टेबल के ऊपर हर एक बॉक्स में अपनी अलग अलग चीज़ रख सकते हैं। जैसे एक बॉक्स में आपने स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें रख ली, एक में कोम वगैरह रख लिया, एक में आपने क्लिप्स रख ली, बैंड्स रख लिए, क्योंकि इन बॉक्स में ना अगर आप हेयर बैंड्स वगैरह रखते हैं ना तो अच्छे से वो दबा के हम रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो जितने भी बैंड्स हैं, हेयर स्कार्फ्स हैं, वो आप ड्रॉ डिवाइडर्स को यूज़ करके नहीं रख सकते हो, क्योंकि ड्रॉ डिवाइडर्स में ना ये अच्छे से दबा के हम नहीं रख पाते हैं। तो इस तरीके बॉक्सेस बहुत काम आते हैं। तो मैंने एक में रख दिए सारे हेयर स्कार्फ्स, एक में स्क्रंचीज रख दूंगी जितने भी हैं इसके पास, और कुछ टाइज भी उसमें डाल दूंगी, हेयर टाइज, और एक बॉक्स में मैं सारे उसके बोज हैं जितने भी, या छोटे छोटे क्लिप्स हैं, वो सारी चीज़ें रख दूंगी। तो उसको हर चीज़ एक सही जगह पर मिल जाएगी। और हम सेग्रीगेट करके रखते हैं ना, तो सारी चीज़ें वापस हम जब भी यूज़ करने के बाद रखते हैं तो वो भी जगह पर रह जाती। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे तो कोई भी चीज कहीं फैलेगी नहीं और सही जगह पर सही चीज रहेगी। सो अब बारी आ गई सब चीज़ों को रखने की। तो ये है एक्रेलिक का बॉक्स, जो कि मैं सबसे ऊपर रखूँगी, बिल्कुल मिड पोर्शन में, बिल्कुल मिरर के नीचे, और कॉर्नर पे मैं रखूँगी उसका एक ऐसे ही पाउच है जिसमें वो अपना नेल्स के रिलेटेड चीज़ें रखती है, नेल आर्ट से रिलेटेड चीज़ें रखती है, और उसके कुछ शेड्स भी हैं इसमें। तो वो वाला एक पाउच मैं कोने में रखूँगी। ये पाउच मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत साल हो गए इसको ख़रीदे हुए, लिया था पता नहीं कहाँ से, ध्यान भी नहीं है। और ये कॉर्नर में एक मिरर रखूँगी, थोड़ा सा टूट गया है वो, लेकिन हाँ कभी कभी काम आता है जब हमको क्लोज कुछ दिखना रहता है तो। और फिर मैं ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज करूँगी। तो ड्रॉअर में मैंने रखे हैं सारे बॉक्सेस, आप देख पा रहे होंगे कि कितने सही फिक्स एकदम ये बॉक्सेस आ रहे हैं। और सब चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बाद एक अलग ही मज़ा होता है फ्रेंड्स, मतलब वो एक सेटिस्फैक्शन अलग ही होता है कि हाँ जैसा हम चाह रहे थे वैसा जम गया है और खूबसूरत भी दिख रहा है। जब भी खोलेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा, ऑर्गेनाइज दिखेगा, तो मन में भी अच्छा लगता है और चीज़ें भी जगह पर रहती हैं। अगर आपके पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है या फिर इस तरीके से ड्रॉअर्स नहीं हैं तो आप ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ी सी ट्रे ले लीजिए, उसमें सारे स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें रख लीजिए, और जो मैंने पहली चीज़ बताई कि इस तरीके के बॉक्सेस को आप रैप करके भी रख सकते हैं। तो आप सिंपल टेबल को एक ड्रेसिंग टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली। ऊपर एक मिरर लगा लीजिए और टेबल के ऊपर आप इस तरीके से बॉक्सेस में अपनी ज्वेलरी, जो सिंपल ज्वेलरी होती है जो आप पहनते हो, क्लचर्स, इस टाइप की कोई भी चीज़ आप जमा सकते हो, अच्छे से रख सकते हो। तो आपका टेबल जो है वो ड्रेसिंग टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से मुझसे पूछ रहे थे। अदरवाइज़ आप इस तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बहुत ही सही तरीका है और बहुत आसान भी है। तो ये रिबन और सारी क्लिप्स वगैरह मैंने इस ड्रॉअर में ऑर्गेनाइज करी है, मतलब कि सारे इसके बैंड्स एंड क्लिप्स। सो
सो फ्रेंड्स, फाइनली उसका वैनिटी वाला सेक्शन अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसमें एक बॉक्स में रखती है वो अपने कुछ टिश्यूज़ वगैरह, और एक में उसकी क्लिप्स रहती हैं जो स्कूल में अक्सर काम आती हैं, और कुछ रखी हुई हैं उसने सेफ्टी पिंस। नीचे वाले ड्रॉर में उसके सारे ब्रेसलेट्स हैं अलग अलग टाइप के जो वो अक्सर पहनती रहती है, और ये बॉक्स ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे वो यूज़ करती है। नीचे वाले ड्रॉर में उसने कुछ नेकलेसेस रखे हुए हैं, चेन्स रखी हैं, पेंडेंट्स रखे हैं जो वो अक्सर पहनती रहती है, तो यहाँ पर ये सेफ भी रहते हैं, डस्ट भी नहीं लगती। और ये जो एक्रेलिक वाले बॉक्स आते हैं ना, ये बहुत ही सही रहते हैं, इनको आप वॉश कर लीजिए और फिर से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, और सारा सामान विजिबल भी रहता है सामने से। नाउ ड्रॉर्स के ऊपर ये एक और सेक्शन है, ये अलग हो जाता है। इसमें उसने कुछ नेल पेंट्स रखी हैं, कुछ तो नहीं, काफ़ी सारे, क्योंकि नेल पेंट्स का उसको बहुत शौक है। और उसके लिप बाम वगैरह हैं, टिंटेड लिप बाम वगैरह हैं, काजल की एक पेंसिल है, और ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ एक आध परफ्यूम रखती है वो, इतनी ही चीज़ें वो यूज़ करती है, वही वो रखती है। कभी कुछ ज़्यादा चाहिए रहता है तो मेरे रूम से वो ले लेती है। तो देखिए, ये है पूरा उसका व्यू उसके चेस्ट ऑफ ड्रॉर का, जो कि काफ़ी अच्छा और साफ सुथरा हो गया है, और सब चीज़ें जगह पर भी हो गई हैं। तो कोई भी चीज़ अगर वो लेगी ना, तो उसको पता है कि इस बॉक्स में ये चीज़ है, इस बॉक्स में ये चीज़ है, और उसको जगह पर भी वो रख पाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना तो फिर भी सरल है, लेकिन मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। चीज़ें जगह पर अक्सर नहीं मिलती हैं, थोड़े दिन तक तो जमा रहता है लेकिन बाद में वो फैलता रहता है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सारी क्लिप्स को ऑर्गेनाइज किया, एक ही बॉक्स में सारी क्लिप्स हैं, और एक ही बॉक्स में सारे स्क्रंचीज़ हैं, और कुछ स्टार वाले या मोती वाले जो क्लिप्स वो लगाती है वो मैंने एक बॉक्स में रखे हुए हैं, और छोटे छोटे जो क्लचर्स हैं उनको अलग रखा है, बड़े क्लचर्स को अलग रखा है। एक तरफ मैंने उसका रिबन भी रख दिया है जो वो कभी कभी यूज़ करती है। This is all for today's video. I hope कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड बटन है ना उसको ग्रे कर दीजिए, अगर ऑलरेडी ग्रे है तो ग्रे ही रहने दीजिए। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।